सावन का महीना और इसमें पड़ने वाले हर सोमवार का विशेष महत्व होता है। सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखना और शिव जी की विशेष पूजा और अभिषेक करना बहुत ही लाभदायक माना जाता है। इस बार सावन के महीने में कुल 8 सोमवार व्रत रखे जाएंगे। सावन का यह महीना 31 अगस्त तक रहेगा। 10 जुलाई सावन को महीने के पहले सोमवार को बैठमा के समस्त शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ अल सुबह से ही बनी रही। भगवान शिव की उपासना के लिए पूजा सामग्री में फूल, पंचफल, रत्न दक्षिणा, दही, शुद्ध घी, शहद, गंगाजल, पंचामृत, इत्र, रोली, मोली, जनेऊ, बेलपत्र, धतूरा, भांग, आम मंजरी, गाय का कच्चा दूध, कपूर, चंदन, अक्षत इत्यादि सामग्री का उपयोग किया गया। नगर के पुलिस थाना परिसर स्थित वटकेश्वर महादेव मंदिर, आकाश कॉलोनी के नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित कुंभरेश्वर महादेव मंदिर, बद्रीपुरा स्थित महादेव मंदिर सहित नगर के समस्त शिवालयों में शिव भक्तों की आवाजाही दिन भर बनी रही। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार के विशेष दिन पर भगवान शिव की उपासना करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और जीवन में आ रही सभी परेशानियां समाप्त हो जाती है। बैठमा इंदौर से राजन सूर्यवंशी की रिपोर्ट। सावन का पहला सोमवार है आज और हम आज सब श्रद्धालु पूजा करने आए हैं। पूजा करने से बहुत लाभ मिलता है और इस महीने दो आधक मास है, इसलिए 8 सोमवार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सब विधि विधान से पूजा कर रहे हैं, श्रद्धालुओं की भीड़ है यहाँ पे। और जय श्री महाकाल। पावन अधिक मास के प्रथम श्रावण सोमवार पर वटकेश्वर महादेव हरिहर महादेव मंदिर पर बाबा की प्रसादी का वितरण शाम को, अभी पूजन भक्तों का तांता लगा हुआ है बड़े श्रद्धा विश्वास के साथ। भक्तों का सैलाब मंदिरों में आ रहा है और इस 20 साल बाद ऐसा मौका लगा है कि हमें 2 महीने का सावन पर्व मिलेगा और 8 सावन सोमवार मिल रहे हैं। तो सभी से यही है कि सब मंदिरों में जाके और खूब भगवान की अभिषेक करें और आरती करें। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।